हेलो फ्रेंड्स, स्टोरेज एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज मैं उत्तराखंड ग्रुप सी UKPCS UK SSSC के लिए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हम उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। जो चारों क्वेश्चन के आंसर सही बताएंगे उनकी नाम हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमने उत्तराखंड की जो सीरीज नंबर 8 की थी, उसके 4 क्वेश्चन आपको दिए थे, जिसके सही आंसर आज हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड की 8 की सीरीज थी, जिसमें हमने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, जिसमें कई लोगों ने कमेंट किया था, जिसमें से रविंद्र गुसेन, रजत सैनी, सुपर चौधरी, साफिक अहमद, राहुल सजवान आदि कई लोगों ने इसमें कमेंट किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी 4 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था। तो आज हम आपको इनके आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा था हमने, भालू बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर था रानीखेत में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर अलकनंदा नदी में किस वर्ष बाढ़ आई थी, जिस समय राजा अजय पाल का भवन ध्वस्त हो गया था? तो इसका आंसर था 1894। ठीक है, इसका जो सी ऑप्शन था वो सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे महाभारत के अनुसार अर्जुन ने नागराज की पुत्री से कहाँ पर विवाह किया था? तो इसका आंसर था हरिद्वार में। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए किसने गुरु सरदानंद को भूमि दान में दी थी? तो इसका जो आंसर सही आंसर था वो हमारा ए सही था, मुंशी अमन सिंह ने। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज उत्तराखंड के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे उत्तराखंड के किस कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है? तो उत्तराखंड के जो खिलाड़ी कांड है, इसे जालियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, और ये 30 मई 1930 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे माणा चमोली का प्राचीन नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जो माणा है जो चमोली जिले में पड़ता है, और इसका प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन जो नाम है वो है मणिभद्रपुरी, इसका जो नाम है मणिभद्रपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टिहरी की स्थापना किसने की थी? तो टिहरी की स्थापना सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जिया रानी मेला कहाँ लगता है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो जिया रानी मेला है ये काठ गोदाम में लगता है। नेक्स्ट, यहाँ पे दून स्कूल की स्थापना कब व किसने की थी? तो जो दून स्कूल है ये देहरादून में स्थित है, और इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सतीश रंजन दास ने की थी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य का पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान कहाँ खोला गया है? तो उत्तराखंड का जो पहला मानसिक चिकित्सा संस्थान है वो सैलाकोई देहरादून में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे गोरा माई मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए दोस्तों, जो गोरा माई का मंदिर है वो रानीखेत में स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ पे भारतीय पशु चिकित्सालय एवं अनुसंधान मुक्तेश्वर की स्थापना कब की गई और किसने की थी? ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध अनुसंधान है ये मुक्तेश्वर में है, और इसकी स्थापना डॉक्टर लिंगनार्ड ने 1893 ईस्वी में की थी, 93 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, यहाँ पे लता मंगेशकर ने किस गढ़वाली फिल्म में गाना गाया था? तो देखिए दोस्तों, जो लता मंगेशकर है एक फेमस गायिका हैं, और इन्होंने रैबार जो गढ़वाली फिल्म है इसमें गाना गाया था। नेक्स्ट, यहाँ पे टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो देखिए, जो टैगोर हिल है ये रामगढ़ नैनीताल में स्थित है, और इसका नाम टैगोर हिल इसलिए पड़ा क्योंकि रविन्द्रनाथ जो टैगोर हैं इन्हीं के नाम पर इसका नाम टैगोर हिल पड़ा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड राज्य का छपने वाला पहला अखबार कौन सा था? तो देखिए दोस्तों, जो उत्तराखंड का छपने वाला पहला अखबार था वो अंग्रेजी में था, और इसका नाम था द हिल्स, जो कि मसूरी से छपता था, और ये जॉन मैकी के द्वारा छपता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पवित्र पुस्तक जो गीता है इसका गढ़वाली भाषा में रूपांतर किसके द्वारा किया गया? तो देखिए, जो गढ़वाली भाषा में जो रूपांतर किया गया था गीता का, इसे नंद किशोर
आदित्य राम और बचन सिंह नेगी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे दलित चेतना के प्रथम अखबार जो समता है, समता का प्रकाशन कब किया गया, तो समता जो है इसका प्रकाशन 1934 में अल्मोड़ा से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हुस्कर देवता का मेला कहाँ लगता है, तो जो हुस्कर देवता है, हुस्कर देवता का मेला जो है वो शंकुरी धारचूला में लगता है। ठीक है दोस्तों, शंकुरी के धारचूला पिथौरागढ़ में लगता है। और यहाँ पे नेपाल और जो गढ़वाल है, नेपाल और उत्तराखंड का यहाँ पे अनोखा जो लोगों की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पे हरिद्वार में स्थित चंडी देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो हरिद्वार में जो स्थित चंडी देवी मंदिर है इसका निर्माण कश्मीर के राजा सुजात सिंह ने करवाया था, और ये करवाया था 1929 में, 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे हर्ष देव जोशी के अनुसार चंद वंश का संस्थापक कौन है, तो हर्ष देव जोशी के अनुसार जो चंद वंश है इसका संस्थापक थोरचंद है, लेकिन जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग है ये सोमचंद को चंद वंश का संस्थापक मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आपके लिए चार क्वेश्चन दिए गए हैं। पिछली बार भी कई व्यूअर ने बहुत अच्छा प्रयास किया था, तो इस बार भी हमें आशा है कि आप फिर से कमेंट करके इनके आंसर बताएंगे। जो चारों क्वेश्चन के आंसर देंगे हम उनके नाम नेक्स्ट वीडियो में अपने पार्ट सीरीज 10 में उनका नाम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर 1803 ईस्वी के भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका पुनर्निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे आपके लिए दौलत राम सिधिया ने, बी है राजाराम शाह ने, सी है सुदर्शन शाह ने और डी है जगदीश जोशी ने। और इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गांधी जी ने अपने पत्र यंग इंडिया में उत्तराखंड के किस आंदोलन को रक्तहीन आंदोलन कहा था। ए है यहाँ पे पेशावर कांड, बी है कोटा खर्रा आंदोलन, बी है कुली बेगार और सी है टिहरी राज्य का विरोध। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपके लिए, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन दिया गया है देहरादून, बी है हरिद्वार, सी है पौड़ी और डी दिया गया है उधम सिंह नगर। और जो अंतिम क्वेश्चन है वो है, मुचकंद गुफा कहाँ स्थित है। ए दिया गया है पौड़ी में, बी है टिहरी में, सी है चंबोली में और डी है अल्मोड़ा में। तो देखिए दोस्तों, ये चार क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, इनके आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो सीरीज आएगी पार्ट 10, उसमें हम इनके आंसर आपको बताएंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।